प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लिया गया है अपठित गद्यांश, यानी एक पैराग्राफ आपके लिए लिया गया है। आपको सबसे पहले उस गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए बच्चों, समझते हैं इस गद्यांश को और पढ़ते हैं। एक बड़े नीम के पेड़ के पास से जानवरों की दौड़ शुरू हुई। दोनों को मैदान से होकर पहाड़ी स्थान के दूसरे छोर तक दौड़ना था। दौड़ के अंत वाले स्थान पर गीदड़ और उसके साथियों को खड़ा किया गया। खरगोश झंडा लिए नीम के पेड़ के पास खड़ा था। उसने झंडा हिलाते हुए कहा, क्या कहा? यहाँ पर रेडी स्टेडी गो, रेडी स्टेडी गो। सुनते ही बारहसिंगा और चीता दौड़ पड़े। देखो कितना मज़ा आया इस गद्यांश को पढ़ के, बहुत अच्छा लगा, है ना? अब चलिए, अब प्रश्न उत्तर समझते हैं और कैसे आपको इसे अपनी कॉपी पर लिखना है ये भी हम समझते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है दौड़ शुरू हुई। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, नीम के पेड़ के पास से, या फिर बरगद के पेड़ के पास से, या फिर बबूल के पेड़ के पास से, या फिर पीपल के पेड़ के पास से। तो आपसे ऑनलाइन क्लास में तो मैं इसे चार ऑप्शन से एक आपको बताना होगा, ठीक है? लेकिन जब आप इस काम को अपनी कॉपी पर कर रहे हैं तो बच्चों, ये पहला बन जाएगा आपके लिए प्रश्न, ठीक है? और इन चार ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है उसे आप उत्तर बना करके लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, पहाड़ी के दूसरे छोर पर गीदड़ के साथ किसको खड़ा किया गया? तो आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर है, भाइयों को, साथियों को, शत्रुओं को, किसी को नहीं। तो बच्चों, ये भी आपको ऐसे ही करना है। ये दूसरा आपके लिए बन जाएगा प्रश्न और यहाँ पर आपको उत्तर लिखना होगा, ठीक है? तीसरा है, झंडा लिए नीम के पेड़ के पास खड़ा था। अब कौन खड़ा था भला? चीता, बारहसिंगा, खरगोश या फिर शेर? तो यही आप करेंगे, ये आपका प्रश्न बन जाएगा और ये आपका उत्तर बन जाएगा। झंडा हिलाते हुए खरगोश ने कहा, आप क्या कहा? पैराग्राफ तो आपके सामने ही है, क्या कहा? 1 2 3 दौड़ शुरू, रेडी स्टडी गो, या फिर 1 2 3 है? ये आपको ऊपर से पढ़ के और समझ के आंसर लिखना है। बच्चों समझ लीजिए, ये आपका प्रश्न बन जाएगा और इसमें से एक ऑप्शन आपको उत्तर के रूप में लिखना है। अगला है, सुनते ही बारहसिंगा और डैश दौड़ पड़े। सुनते ही बारहसिंगा और कौन दौड़ पड़े? इन दोनों में से आपको यहाँ पर एक खाली स्थान भरना है। तो इस तरह से ये आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आपकी रीडिंग स्किल को, वाचन दक्षता को बढ़ाएगा। आपको पढ़ना आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए। तो इस काम को आप अनुच्छेद भी अपनी कॉपी पे एक सुलेख के रूप में लिखेंगे, ठीक है? अनुच्छेद भी आप अपनी कॉपी पर एक सुलेख के रूप में लिखेंगे, है ना? और याद भी करेंगे। इन प्रश्न उत्तर को आप समझिए, इसमें आपको ये जो आप अनुच्छेद लिखेंगे ये एक तरह से आपका सुलेख माना जाएगा। आपको बहुत सुंदर तरीके से इसको लिखना है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? इसमें मैं आपको ग्रेड भी दूंगी और ऑनलाइन क्लास में मैं आपकी कॉपी पर इसे देखूंगी, ठीक है? तो चलिए बच्चों, आज का काम